बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आई मिस्टर फारूक अमर लोन, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ लेसन ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मूसा अलीज कैमल, रिटन बाय शफावत हबीब। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी फर्स्टली गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस लेसन। Dear students, Sama's father was transported to Nobra Valley in Ladakh. Sama was curious to know about the camel. Musa told him about the Bactrian camel. The Bactrian camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert, faced with scorching heat, chilling cold, and scarcity of food and water. Many mammals struggle, but the wild Haptkai faces all the odds. The camel can cover around 50 kilometers a day. Dear students, the camel's long, narrow nostril and dense eyelashes efficiently prevent damage from sandstorms. It sweats and urinates little, thus prolonged resistance to thirst. Musa Ali told him that Bactrian camel's population was declining. Musa Ali said that the Bactrian camel is only found in Mongolia, China, and Ladakh, Nobra Valley, and that the number of the Bactrian camel is some thousands only in the world. Dear students, let's begin. Name four deserts of the desert. These are few questions which are given at the beginning of this very lesson. Name four deserts of the world. Name the places where camels are found. Find the differences between hot desert and a cold desert. Duniya ke char jo Registan hai unke naam batane hain. Name the places where camels are found. Un jagahon ke naam हमने बताना है जहाँ पे ये कैमल्स जो हैं, ऊँट जो है पाए जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, और हमने डिफरेंस बतानी है हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है। सामाज फादर ए डॉक्टर बाई प्रोफेशन वॉज ट्रांसपोर्ट फ्राम श्रीनगर टू नोबरा वैली इन लद्दाख। प्यारे बच्चों, जो साम का जो वालिद था वो पेशे से एक डॉक्टर था, यानी वो एक डॉक्टर था। वाज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम श्रीनगर, वो श्रीनगर से ट्रांसफ़र किया गया था, यानी उसका तबादला किया गया था, जैसे डिपार्टमेंट में होते हैं आमतौर तबादले। फ्रॉम श्रीनगर टू नोबरा वैली इन लद्दाख, श्रीनगर से उसको ट्रांसफ़र किया गया था और उसकी ड्यूटी जो थी लगाई गई थी लद्दाख में, नोबरा वैली में। ही ऑस्कर्ड हिज डॉटर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ हिम इन नोबरा। उसने अपनी बच्ची से कहा कि आप मेरे साथ ये छुट्टी जो है मेरे साथ गुजारें, कहाँ, नोबरा वैली में। बोथ द फादर एंड द डॉटर स्टेड एज अ पेइंग गेस्ट एज एट डिक्सी डोलमाज हाउस। जब ये दोनों यहाँ से गए तो ये वहाँ पर ये रहे एज पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट मीनस कि जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पर खाना पीना वगैरह सब उन्हीं घर वालों का ही होता है, तो लास्ट पे उनको पे करना पड़ता है। तो कहाँ, वहाँ पे ये रुके, डिक्सी डोलमाज हाउस, डिक्सी डोलमा के घर में। सामा एंड डोलमा बिकेम फ्रेंड्स एट द वेरी फर्स्ट साइट। जो सामा है और डोलमा है ये जल्द जल्दी एक दूसरे को देखते ही ये दोस्त बन गए। एट द वेरी फर्स्ट साइट, देखते ही ये एक दूसरे के दोस्त बन गए, सामा एंड डोलमा। एंड देयर फोर सामा आस्क्ड डोलमा टू टेल हर समथिंग अबाउट नोबरा। फिर क्या हुआ, जब उनकी दोस्ती हुई तो फिर सामा ने डोलमा से कहा, जो सामा थी श्रीनगर की थी, डोलमा वहाँ पे की, वहाँ की थी, वहाँ पे नोबरा वैली की थी। तो सामा ने डोलमा से कहा कि आप मुझे नोबरा वैली के बारे में कुछ ख़ास बताइए, यहाँ पे क्या ख़ास है, ये किस लिहाज से मशहूर है। जैसे यहाँ पे खानियार है श्रीनगर में, वहाँ पर वो हाक है, या सोपोर जो है वहाँ से वो नदड़ है, इसी तरह बहुत सारी जगह हैं, हर कोई जगह अपने अपने लिहाज से मशहूर है।
जैसे गुजराल है हमारा, ये इस हमारी ज़ियारत के नाम से मशहूर है बाबा अब्दुल्ला गाजी। तो इसी तरह से उस अब सामा ने डोलमा से कहा कि आप मुझे बताएं कि लद्दाख की लोबरा वैली की क्या खासियत है, यहाँ पे क्या खास है। डोलमा डोलमा ने अब उससे कहा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ ए डेजर्ट, क्या आप जानती हो, क्या आप जानते हो कि जो लद्दाख है ये एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। सामा, ओह यू आर किडिंग मी। सामा ने उससे कहा, वो आप बच्चों वाली, आप जो हैं बच्चों वाली बातें करती हो करती हो। डोलमा, नो इट्स ट्रू, नहीं नहीं ये बिल्कुल सच है। लद्दाख इज़ नोन ओनली एज अ डेजर्ट बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट। जो लद्दाख है ये सिर्फ डेजर्ट के नाम से मशहूर है, रेगिस्तान के नाम से मशहूर है। रेगिस्तान जो है, ये जो लद्दाख है ये एक रेगिस्तान है, मगर बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट, लेकिन ये ठंडा डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। सामा सामा ने कहा, इट इज़ वंडरफुल, बड़े ताजुब की बात है। आई हैड हर्ड ओनली अबाउट सहारा इन अफ्रीका, मैंने सिर्फ अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है उसके बारे में सुना है, एंड दैट एंड थार इन राजस्थान, और जो थार जो डेजर्ट है यहाँ पे राजस्थान में उसके बारे में सुना है। ओह इट इज़ थ्रिलिंग टू नो दैट राइट नाउ आई एम इन्जॉइंग द मैग्निफिशेंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हैरान, बड़े ताजुब की बात है ये। इट इज़ थ्रिलिंग टू नो दैट राइट नाउ आई एम इन्जॉइंग द मैग्निफिकेंस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस वक्त दुनिया का जो सरतरीन डेजर्ट है वहाँ पे मैं इस वक्त इंजॉय करती हूँ, वहाँ पे मैं उसकी जो ब्यूटी है उससे मैं इस वक्त लुत्फ़ानंदोज़ हो रही हूँ। डोलमा ने कहा, फिर से कहा, वन मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख। एक और स्पेशलिटी है, एक और ख़ासियत है लद्दाख में, वो है ये कि ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक कैमल जो है, यहाँ पे ऊँट है। वन मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख, यहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं जो कि बाकी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ये ख़ासियत है लद्दाख की, यहाँ पे ऊँट रहते हैं, यहाँ पे ये ऊँटों के लिहाज से भी मशहूर है। सामा ने फिर से कहा, नाउ यू आर किडिंग मी अगेन, फिर से आप मेरे साथ बच्चों वाली बातें करती हो। इट्स लाइक ए बेल्ड मैन कैरिंग ए कॉम, ये इस तरह आप मुझे आपका कहना मुझे इस तरह लगता है जैसे गंजा आदमी एक कंघा लेके घूम रहा है, यानी एक बेल्ड आदमी है जिसके पास जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं उसको कहते हैं बेल्ड, वो एक कंघा लेके घूम रहा है। और एन एस्किमो इंजॉइंग एन आइसक्रीम, और ये मुझे लगता है आपकी बातों से आप ऐसी बातें करते हो, या कि मुझे लगता है कि जो एस्किमो होता है, जो बर्फ़ीली इंसान होता है, जो बर्फ़ में होता है हमेशा, वो आइसक्रीम खा रहा है, वो आइसक्रीम ढूंढ रहा है, खाने के लिए ढूंढ रहा है, ऐसा लगता है मुझे। डोलमा, नो नो नो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। आई विल अरेंज ए मीटिंग विथ मूसा अली ऑन संडे। अब मैं क्या करूँगी, मैं मूसा अली के साथ संडे को एक मीटिंग रखती हूँ। उसके जोलॉजिकल नेम पे आते हैं। जोलॉजिकल नेम क्या है इसका, कैमलस बैक्ट्रेनस। ये स्टूडेंट जो इसका जोलॉजिकल नेम है इसका कैमलस बैक्ट्रेनस। हर्बीवोर होता है जो घास फूस जड़ियाँ वगैरह खाने वाला होता है, उसका उसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स या हर्बीवोर। प्रेफर्स ग्रास लीव्स एंड श्रब्स, ये क्या क्या चीज़ खाता है, किस किस को ये प्रेफर करता है खाने के लिए। घास, ज़्यादातर घास खाता है, लीव्स खाता है, पत्ते जो होते हैं वो खाता है, एंड श्रब्स और झाड़ियाँ वगैरह खाता है। बट विल ईट ड्राई वेजिटेशन एंड सॉल्ट बुश दैट अदर मैमल्स अवॉइड, लेकिन ये क्या खाता है उसमें से एक चीज़, ड्राई वेजिटेशन, ये जो है ये खुश खुश घास खाता है, खुश झाड़ियाँ खाता है, एंड सॉल्ट बुश, और वो जो नमक वाली होते हैं वो बुश झाड़ियाँ होती है वही ये खाता है, जो कि दूसरे जानवर होते हैं वहाँ पे जंगलों में या बाकी जगहों पे उसको अवॉइड करते हैं, यानी इसके साथ जो वहाँ पे होते हैं रेगिस्तान में
बाकी मैमल्स वो इसको वो अवॉइड करते हैं, वो घास जो जो घास जो घास ये कैमल खाता है। हैबिटेट, हैबिटेट क्या है इसका? स्टीप ग्रासलैंड, मैनली वैलीज एंड कैनाइन्स इन द माउंटेनस एरियाज। ये क्या करता है काम? स्टीप ग्रासलैंड्स में ये रहता है। हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? इसकी रहने की जगह कौन सी? स्टीप ग्रासलैंड्स, स्टीप ग्रासलैंड्स होते हैं। मैनली वैलीज वादियों में रहता है, एंड कैनाइन्स एंड कैनियंस इन माउंटेन्स एरिया। माउंटेन्स एरिया में जो छोटे छोटे वो घर होते हैं वहाँ पे रहता है, रहना पसंद करता है। छोटी छोटी जो वो एक वैलियाँ हुआ करती है वहाँ पे रहना पसंद करता है। ए फ्यू वाइल्ड हर्ब्स एग्जिस्ट इन नोबरा। और क्या है नोबरा में? फ्यू वाइल्ड हर्ब्स एग्जिस्ट इन नोबरा। और वहाँ पे वाइल्ड जो है वाइल्ड हर्ब्स वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सोमा वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हु दिस मूसा अली वाज। अब जो सामा है, सामा जो है उसके दिल में बहुत एक लगन पैदा हो गई कि मैं कब मूसा अली को देखूं। और इट वाज ब्राइट संडे मॉर्निंग एंड सोमा वाज वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नोबरा। इट वाज ब्राइट संडे। अब चूँकि ये बहुत धूप वाली बहुत अच्छी बहार वाली संडे थी, जैसे कि बाहर में हुआ करती है संडे मॉर्निंग, एंड सोमा वॉज वेरी हैप्पी। जो सोमा है वे बहुत खुश थी। शी हैड नो अदर फ्रेंड्स एट नोबरा। उसको नोबरा में और कोई दोस्त नहीं था। सोमा एंड डोलमा आफ्टर इंजॉइंग द गरगर टी एंड मुकमुक लेफ्ट टू मूसा अलीज होम। सोमा और डोलमा ने क्या किया? अब इंजॉइंग द गरगर टी। ये गरगर टी वहाँ पर लद्दाख की एक मशहूर कस्म की एक चाय होती है, एंड मुकमुक और ये होता है टोस्ट होता है वहाँ पर। मुकमुक कोई खास होता है, खास चीज़ वहाँ का। ये उन्होंने नाश्ते में लिया। लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम। उसके बाद कहाँ चले गए? मूसा अली के घर। अभी वहाँ पे मूसा अली का जो मकान है, मूसा अली का जो घर है, वहाँ पे अब ये रुखसती वहाँ पे चक्कर घूमने के लिए गई। वहाँ पे क्यों घूमने के लिए जाएंगे? क्योंकि उसके पास वो जो ऊँट है, ऊँट पालता है, ऊँट के साथ लगाव रखता है, मोहब्बत रखता है। तो अब ये उसी को देखने के लिए मूसा अली के घर पे जाने की तैयारी में लगी और निकल गए। डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो आधा पार्ट जो रह गई लेसन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।